इसमें आपको सब्सिडी भी मिली है। मिल गया 78,000 रुपये। 78,000 आपको बैक मिल चुका है। मिल चुका है। तो देखिए वहाँ पे एसी लगा हुआ है, इस तरफ पंखा चल रहा है, बहुत सारे एसी और पंखा और साथ में यहाँ पे फ्रिज का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या पहले एसी था या फिर आपने पैनल लगाने के बाद एसी लगाया है? अभी वो लगाने के बाद में हम लोग एसी दो लगाए। सोलर पैनल जब नहीं था तो इस घर का जो बिजली बिल है वो 4500 के करीब, 5000 के करीब आता था। जब ये पैनल लग गया तो अब इसका जो चार्ज है वो मात्र मीटर से 400 से 500 रह गया है। जी जी, ये सच है या फिर ये कैमरे के सामने बोला जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। जो भी सोलर पैनल लगाते हैं ना उन्हें सब्सिडी आती है। अच्छा। एक किलोवाट पे जो होता है वो 30,000 है। अच्छा। दो किलोवाट पे 60,000 है। हाँ। और तीन किलोवाट पे जो है वो 78,000 है। अच्छा। 78,000। सोलर पैनल जो होती है वो 25 ईयर्स की गारंटी देती है। ठीक है, तो 25 साल की गारंटी? यस मैम, 25 साल की गारंटी देती है। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, तपती हुई धूप में आपके घर पे कूलर चलता होगा, एसी चलता होगा, बल्ब जल रहा होगा, पंखे चल रहे होंगे और इसके कारण बिजली का बिल बहुत बहुत ज़्यादा आता है। लोग घबराते हैं कि अगर हम पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं तो बिजली का बिल जो है वो हजारों हजार में भरना पड़ेगा। लेकिन देखिए, मेरे ऊपर एक सोलर पैनल लगा हुआ है जिसके लगने के बाद यहाँ का जो बिजली बिल है वो बिल्कुल आप समझिए शून्य हो चुका है। जहाँ पर 10,000, 20,000, 15,000, 5,000 का टेंशन दिमाग में होता है कि कैसे बिजली का बिल भरेंगे, इसको लगाने के बाद जो है ये टेंशन फ्री इंसान हो जाता है। तो हमारे साथ इस घर की ऑनर मैम यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले बताइए मुझे क्या क्या फायदे हुए हैं इसको लगाने के बाद? लगाने के बाद हमारे बिजली बिल कम आता है। हाँ। उसके बाद ज़्यादा आ रहा था तो मैंने, अब कम आ रहा है। हम लोग के पहले टेंशन होता होगा हमेशा कि लगाएं, क्या जलाएं, क्या नहीं जलाएं, हर जगह बत्ती बंद करने का जो होता होगा कि सिस्टम होता होगा, अब क्या लगता है? अब नहीं, टेंशन है, टेंशन फ्री हो गए हैं। बिल्कुल। सब्सिडी की बात हम कर रहे थे, जो लूम सोलर का यहाँ पे पैनल लगा हुआ है इसमें आपको सब्सिडी भी मिली है? मिल गया 78,000 रुपये। 78,000 आपको बैक मिल चुका है? मिल चुका है। मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया उसके बदले जो है सब्सिडी के तौर पे आपको 78,000 आपके अकाउंट में आ चुके हैं? चुका है। तो मतलब सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं इसको लगाने के बाद? अच्छा, संतुष्ट हैं हम। जी जी, अब क्या लगता है कि आगे से अब टेंशन खत्म हमेशा के लिए? कहा जा रहा है 5 साल में जो भी आपने इन्वेस्ट किया होगा वो आपका सध जाएगा। सध जाएगा जी। अच्छा, ये पैनल यहाँ पर देखिए, ऊपर 10 पैनल लगे हुए हैं। लूम सोलर कंपनी का ये पैनल लगा हुआ है जो अपने आप में एक ट्रस्टवर्दी कंपनी है। अगर आप जाके गूगल करते हैं आपको समझ आएगा कि इस कंपनी ने कितने लोगों का दिल जीता है। इस कंपनी का जो मेंटेनेंस है, सर्विस है, वो वाकई में इतना उम्दा है कि लोग इसके ऊपर टाक बंद करके ट्रस्ट करते हैं। हमारे साथ अभी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनका नाम हाशमी है, बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। पहले तो लूम सोलर के बारे में जानना चाहूंगी कि ये कंपनी आखिर कैसे लोगों के बीच में इतना ट्रस्ट बनाते जा रही है। मैम, पहले तो ये कंपनी के जो आप पूछ रहे हो ट्रस्ट के बारे में, तो इसकी जो एफिशिएंसी है ना काफ़ी बेस्ट है। ठीक है। और इसके मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छा है कि ये जहाँ भी लगी है ना वो कस्टमर का दिल ही जीती है मैम। जी। जिसकी वजह से ये जितने भी कस्टमर मेरे वो बढ़ रहे हैं और सबका होता है कि मोटिव कि लूम सोलर ही लगाएं। अच्छा, ये मतलब चीज़ सोलर के बारे में सोच रहे हैं तो लूम सोलर के पास ही जाएंगे। यस मैम। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ पे 10 पैनल लगा है, कितना वॉट का ये होगा? ये 5 किलोवाट का है। 5 किलोवाट का है। मतलब ये जो टेंशन होता है हमारे मन में, आम इंसान के मन में होता है कि भाई हम इतना कुछ चला रहे हैं, ठंडी में जो है वो हीटर चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, गर्मी जब आती है तो उस टाइम एसी होता है, बहुत सारी चीज़ें, फ्रिज का इस्तेमाल होता है काफ़ी ज़्यादा, लोगों को क्या उसके बाद परेशानी होगी लगाने के बाद? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे क्या है कि ये एक्चुअली लगाया ही जाता है बिजली बिल लो करने के लिए। हाँ। तो ये लगाने के बाद जो होता है ना कि आप नॉर्मल से ज़्यादा यूज़ करते हो और बिजली बिल नहीं आता है। सोलर पैनल जब नहीं था तो इस घर का जो बिजली बिल है वो 4500 के करीब, 5000 के करीब आता था। जब ये पैनल लग गया तो अब इसका जो चार्ज है वो मात्र मीटर से 400 से 500 रह गया है। जी जी, ये सच है या फिर ये कैमरे के सामने बोला जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ मैं आपको दिखा भी सकता हूँ क्योंकि बिजली बिल जो आता है ना उसमें वो क्लियर शो कर देता है कि आपका जो नेट फिक्स जो मीटर चार्ज होता है वही आता है। उसके बाद जो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका सोलर पर चलता है। अच्छा, ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड के बारे में आप थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा लाइट में समझा दीजिए कि क्या होता है ये। देखिए, ऑफ ग्रिड क्या होता है मैम कि वो आपका इलेक्ट्रिक जो पावर ग्रिड से है ना वो ज्वाइंट नहीं होता है, वो बैटरी होता है, इन्वर्टर होता है और सोलर पैनल होता है। हाँ। तो वो आपका सोलर पैनल मॉर्निंग में वर्क करता है और फिर एट इवनिंग जो होता है जब सूरज डूब गया उसके बाद वो बैटरी बैकअप पे चलता है। ठीक है। ऑन ग्रिड क्या हो, ये डायरेक्ट पावर ग्रिड से जुड़ जाता है और आपका मॉर्निंग में जो है सोलर पे चल रहा है। हाँ। ठीक है। और शाम में क्या होता है कि आपका पावर ग्रिड से जो लाइट आती है उसे चलता है, मगर होता है क्या इसमें कि आप जो मॉर्निंग में यूज़ कर रहे हो ना तो कुछ यूनिट गवर्नमेंट को आप सप्लाई करते हो। अच्छा। तो वो एट इवनिंग में आपको वो चीज़ फीडबैक में मिल जाती है। अच्छा, इससे क्या होता है कि आपका बिजली बिल जो होता है वो आपका 0 हो जाता है।
सर मुझे पता चला है कि जिन्होंने ये पैनल लगाया है लूम सोलर की तरफ से उनको सब्सिडी भी मिली है, क्या ये सही बात है? यस मैम, ये सही बात है। हाँ। इन्होंने 5 किलोवाट लगाया और इस पे इन्हें से जो सब्सिडी मिली है वो 78,000 मिली है। 78,000? जी मैम, 78,000 रुपये सब्सिडी मिली है। और गवर्नमेंट की साइड से ये जो भी सोलर पैनल लगाते हैं ना उन्हें सब्सिडी आती है। अच्छा। 1 किलोवाट पर, 2 किलोवाट पर और 3 किलोवाट पर वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है। 1 किलोवाट पे जो होता है वो 30,000 है, 2 किलोवाट पे 60,000 है और 3 किलोवाट पे जो है वो 78,000 है, 78,000। उसके ऊपर आप जितना भी जाते हैं तो वो फिक्स है, 78,000 आपको सब्सिडी आएगी। इसका मतलब हुआ कि अगर इस पे 5 किलोवाट लगा हुआ है तो 78,000 का सब्सिडी लोगों को मिला होगा जो जिन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल कराया है। जी 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 मैम, इन्होंने जिन्होंने किया था उन्हें सब्सिडी भी आ गई है 78,000। और इसका बेनिफिट यही है कि आपको सबसे पहले कि आपका जो अमाउंट जो होता है, हाँ। एक हैवी अमाउंट जाता है उस पर गवर्नमेंट जो है आपको 78,000 जो है वो सब्सिडी देकर काफ़ी ज़्यादा आपका थोड़ा रिलैक्स भी कर देती है, मोटिवेट भी कर देती है। सर ऐसा भी है क्या कि जब ये पैनल हम लगाते हैं जो भी इसके इंस्टॉलेशन में खर्च आती होगी, जो भी इस पैनल का खर्च आता होगा वो 5 साल में आपका निकल जाता है? यस मैम, ये होता क्या है कि आपका जो बिजली विभाग को जो पैसा जाता है ना वो होता क्या है कि आपका 5 साल के अंदर जो आप बिजली विभाग को दे रहे हो वो आपके पास आ गया, तो इसमें जो भी लागत लगी वो आपके पास आ गई। देन उसके बाद जो 20 ईयर्स जो होते हैं, क्योंकि सोलर पैनल जो होती है वो 25 ईयर्स की गारंटी देती है, ठीक है, तो 25 साल की गारंटी। यस मैम, 25 साल की गारंटी देती है ये। तो आप ये सोच लो कि आपने 5 साल में जो भी आपने लगाया अमाउंट वो भी आ गया, प्लस आपका सब्सिडी आ गया, देन आपका 20 साल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका चलता है। और ये नहीं बोल सकते कि 25 साल के बाद ये प्रॉब्लम आएगा, ये लाइफ टाइम कहा ही जाता है कि लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम लाइफ टाइम इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करते हैं तो लाइफ टाइम इसका फायदा आपको मिलता रहेगा। यस मैम, सबसे अच्छी बात ये रही, मतलब फ़ायदे तो बहुत सारे हैं अगर गिनाए जाए तो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, कोई भी सीज़न हो, जब ये पैनल आपके सर के आपके छत के ऊपर रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही देते जाएगा। कहा ऐसा जा रहा है कि 25 साल तक की वारंटी दी जा रही है अगर इस पैनल को आप लगाते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो जिसके छत पर हमने अभी आपको सोलर पैनल दिखाया है उनके रूम में अभी मैं आ चुकी हूँ। देखिए वहाँ पर AC लगा हुआ है, इस तरफ पंखा चल रहा है, बहुत सारे AC और पंखा और साथ में यहाँ पर फ्रिज का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैम बताइए क्या क्या आप चलाती हैं सोलर पैनल से? मेरे 2 AC चलता है, हाँ। 2 TV, हाँ। 2 फ्रिज, हाँ। और 2 टोटो चार्ज होता है। ये सब कुछ हो जाता है इससे? हो जा रहा है। कोई परेशानी आई है आज तक? कोई परेशानी नहीं आया है। मतलब सबसे अच्छी बात है सामने मैं दिखा रही हूँ, पहले क्या पहले AC था या फिर आपने पैनल लगाने के बाद AC लगाया है? अभी वो लगाने के बाद में हम लोग AC 2 लगाए हैं। अच्छा, मतलब उसके पहले AC आपने लगाया ही नहीं लगाए थे कि बिजली का बिल ज्यादा आएगा? अब बहुत अच्छा हो गया। तो देखिए पैनल लगाने के बाद जो है वो AC को खरीदा गया है और उसके बाद AC चल रहा है क्योंकि अब टेंशन नहीं है कि बिजली की बिल कितनी आएगी। देखिए घर की चीज़ें तो चल ही रही हैं, जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं आसपास में, कूलर है, AC है, पंखा है, सब कुछ चल ही रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आजकल हर घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुकी है। जैसे मैम ने बताया कि यहाँ पर 2 टोटो जो है उसकी बैटरी चार्ज होती है। अगर आपके पास कार है या फिर बाइक है, स्कूटी है, वो भी आप चार्ज कर सकते हैं, तो आपका कमर्शियल इस्तेमाल भी जो है वो आराम से सोलर पैनल के बदौलत हो सकता है। तो बहुत सारे फ़ायदे मैम ने गिना दिए हैं और मुझे यहाँ पर देखने को मिले हैं। अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको कितने सारे फ़ायदे होंगे?